तो आज से निकल रहा हूँ मैं आगे पालपा की तरफ। वहाँ के लिए जर्नी कैसी होगी? अब चलते हैं बाइक पे और वहाँ से फिर मिलेगा बस, बस में बैठ के फिर आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। आगे ज्वाइंट हुआ है ये मेन, ये सीधा लुम्बनी गया पहले, लुम्बनी के बॉर्डर से गया। अच्छा, ये सीधा लुम्बनी गया है। लुम्बनी गेट उधर से जो लोग आते हैं उनके लिए ये स्वागत के लिए द्वार है ना, जितने भी रोड है लुम्बनी जाने वाले। हाँ, सब पे एक गेट होता है स्वागत। वहाँ से मैं निकल के आया यहाँ पे मुर्गिया हुआ ऐसे कुछ करके कुछ जगह है, जहाँ से मुझे अभी निकल रहा हूँ भुटवल के लिए। भुटवल से फिर वहाँ से बस ले लूँगा पालपा के लिए। तो अभी वहाँ भैया ने बहुत अच्छी जगह पे छोड़ दिया, तुरंत मुझे बस मिल जाएगा और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। पीछे मेरे बस लगा भी है, इसमें बैठ के चलते हैं फिर। तो अभी बस निकलने वाली है जस्ट तुरंत बाद कुछ टाइम में, सब बैठ गए। यहाँ का नेपाल का ये बस है। पहाड़ यहीं से स्टार्ट हो गया है, थोड़ा ज़्यादा धुंध है इस वजह से कैमरे में दिख नहीं रहा है। अभी हमारा बस निकल चुका है यहाँ से और अभी बाहर देखो यहाँ से पहाड़ भी स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कितना वक्त लगता है यहाँ पहुँचने में। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि इसका किराया कितना है, तो उन्होंने बताया कि 100 नेपाली रुपये लगते हैं यहाँ से पालपा के लिए, यानी कि फुटबॉल से पालपा के लिए आपको बस का किराया लगभग इंडियन में आपको 50-55 रुपये पड़ेंगे। तो बहुत महंगा नहीं है, सस्ता ही है। आखिर इन पहाड़ियों को देख के ऐसा क्या फील होता है? ऐसा लगता है कि इस प्राकृतिक में क्या चीज़ बनाई, पहाड़ियों में आने पे हर एक चीज़ घूम के इसके खूबसूरती को देखने का मन करता है। ऐसा जगह, अब यहाँ से हम लोग पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपनी जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम लोग नेपाली बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे हेल्पफुल लोग हैं, ये तो है। अब बाहर निकलते हो तो अंदर डर सा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बिंदास निकलो, हर एक इंसान से बस आप बोलना जानते रहो, लोगों से बातें करना जानो, हर एक इंसान हेल्प करने के लिए रेडी होता है। जहाँ हम रुके हैं वहाँ से ये तानसेन है 37 किलोमीटर, पोखरा है 154 किलोमीटर। अभी स्टार्टिंग ही है तभी ख़तरनाक वाली ट्रैफिक लग गई है, जिसकी वजह से हमें यहीं रुकना पड़ा। शायद आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है। अच्छा, इसको खुलने में कितना टाइम लग सकता है इस ट्रैफिक को? कुछ नहीं पता, यही शाम भी हो सकता है। नहीं, नहीं,
10-15 मिनट में पहुँचेगा, 6 बजे तक तक कान से मिल पहुँचेगा। अभी कितना टाइम लगेगा? पालपा को ही तानसेन कहते हैं क्या? अच्छा अच्छा, तानसेन किसकी मंदिर है? तानसेन किसकी मंदिर है? मंदिर भी है वहाँ ना? मंदिर भी है। किसकी है? भैरव बाबा की है, बहुत बड़ा मंदिर। भैरव बाबा त्रिशूल कहाँ? वही है त्रिशूल ना, सबसे बड़ा इस वर्ल्ड का, सबसे बड़ा त्रिशूल, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा त्रिशूल। कितने मीटर का होगा? त्रिशूल तो हाइट नहीं, हाइट होता है ना सबका, कोई भी चीज़ बनता है तो उसका हाइट होता है, लेकिन हम लोग वो उसका कितना है बोल के नहीं पूछा। अच्छा, नहीं अभी उस्मान लिखा था, नहीं लिखा था, नहीं नीचे लिखा उखा नहीं कहीं। अच्छा, ये है हमारा बस जिसमें हम सवारी कर रहे हैं। निकलेंगी मछलियाँ उसमें? देख बस, जितना खूबसूरत है देखने में उतना ही डेंजर भी है। बहुत सारे लोगों के मौत का कारण भी बनता है ये मेरे ऊपर देखो, जहाँ पे बस खड़ी है, अगर ऊपर से गिर जाए, अगर एक भी पत्थर गिर जाए टूट के, तो बचेगा नहीं इंसान। ठीक नीचे हम खड़े हैं, काफ़ी टाइम से ट्रैफिक लगा हुआ है, बस खुलने ही वाला है। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से हमें यहीं रुकना पड़ा कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम में बस खुल जाएगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। और आगे भी अभी मिलते रहते हैं ऐसे क्या? ऐसे ट्रैफिक ऐसे रुक रुक के? अभी थोड़ी, अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, जाम हो जाएगा, अब दूसरा जगह नहीं है, उसके बाद फिर फ्री। अच्छा, यहाँ बंदर ने सबका एंटरटेनमेंट करके रखा है, लगभग 1 घंटे से रुके हम। लगभग 1 घंटे से हम यहीं पर रुके हैं, अब जाके ट्रैफिक ओपन हुआ है तो निकलने जा रही है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है यार। पालपा जाते जाते रात हो जाएगा, देखो वहाँ पे क्या होता है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, कि होटल लेना पड़ता है, कि ज़्यादा रात हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पता नहीं है क्या होने वाला है। बारिश में इधर आना बहुत डेंजरस होता है ना। हाँ, अब एक तरफ के भेजें तो एक तरफ के छोड़ेंगे। हाँ, एक तरफ के छोड़ेंगे। हाँ, रानी महल नाम सुना है लेकिन गया नहीं कभी। रानी महल अच्छा है, महल बालपास से गाड़ी मिलेगा वहाँ से, ऐसे सवारी चलती हूँ रानी महल किराए वाला। पता नहीं कितना वक्त लगेगा पूरा पालपा अगर घूमना हो जाएगा। तो आज निकलेंगे तो आज तो कहीं रुके, आज तो आज तो पालपा रुके, और फिर उसके बाद कल से, कल से हम कल सुबह से सुबह वो क्या चूड़ी खेल जाइए, वहाँ से माड़ी फाट देख लेंगे नीचे का, माड़ी फाट सम्मा ऐसा वैली है, वैली घाटी, वैली वैली घाटी, हिंदी घाटी बोलते हैं, घाटी बोलते हैं हिंदी में, हाँ इंग्लिश में वैली। जैसे जैसे पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, तो अभी जैकेट पहन लिया, कैप पहन लिया, जैसे धूप छा रहा है उतनी ठंड बढ़ती चली जा रही है, ये दिक्कत है यहाँ पे।
मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ पालपा तानसेन और रात के 7:30 बजे 6:50 PM हो चुका है। अभी देखता हूँ यहाँ पे हॉट होटल कौन सा मिलता है, कैसा मिलता है। बहुत सारे आ गए पीछे हॉस्टल के लिए, होटल के लिए काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में। अभी बस ढूँढना है होटल, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो जो भी हो, अगर मुझे अच्छा लगा तो वो आपका होटल भी जाएगा यूट्यूब पे। यहाँ से व्यू आता है क्या? अच्छा, ऊपर बाहर का व्यू दिखता है क्या? दिखेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत व्यू के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा घूमने के लिए। क्यों ना, वहाँ से अच्छा दिखेगा। यहाँ से आपके खिड़की वगैरह से नहीं दिखते? यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। अच्छा अच्छा, अंधेरा है, खिड़की नहीं है इसमें? ये बाहर कैसा है नज़ारा? ऐसा है बाहर, अब क्रिसमस आ रहा है। पहले बस वहीं पे आगे। अच्छा अच्छा, वैसे है यहाँ पे, अच्छा है ना, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह अपलोड करने हैं। हाँ तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा फास्ट। अच्छा ठीक है, ये रुकते हैं फिर, मैं रख देता हूँ। और क्या करना पड़ेगा मुझे? आपको एंट्री करना पड़ेगा। खाना खाएंगे कि नहीं? खाने में क्या मिलेगा? दाल चावल सब्जी। क्या है उसका प्राइस? नेपाली 150। नेपाली 800 रुपये। ठीक है, आइए आप इंटी कर देते। ठीक है ठीक है, फिर बाद में कर दीजिए। वाई फाई कनेक्ट कर लीजिए पहले। हाँ वाई फाई कनेक्ट कर दीजिए। यही से होगा, इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, ये बता दीजिए हमें, अभी तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो कल कितने बजे तक होगा ये टाइम? ये 11 बजे तक होगा। 11 बजे तक? हाँ। अच्छा चलिए, आप दाल चावल खाएंगे? हाँ दाल चावल, दो रोटी भी। रोटी नहीं मिलेगा, पहाड़ी है ना, रोटी नहीं मिलती है। आपका नाम भर दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर ये भी? नहीं ये तो हम लोग पढ़ देंगे, नेपाल डेट पढ़ना पड़ेगा उसमें। अच्छा जी, आपका मोबाइल नंबर तो यहाँ का काम नहीं आएगा। हाँ तो आपका आईडी नंबर है? आईडी, आधार नंबर, पता है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत। एड्रेस गोरखपुर? हाँ मैं एड्रेस ही देख लेता हूँ आपको, दे देता हूँ आपको, भी कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें भी होगा आपका आईडी? हाँ वही है, वही कह रहा हूँ। आप गोरखपुर से आ रहे हैं? तो फाइनली मेरा, मैंने अपने रूम को ले लिया है और नेपाली 500 मुझे पड़े, लगभग 300 कुछ रुपए के आसपास पर नाइट के, यानी कि 24 आवर के होते हैं। मैं 7 बज रहा है अभी यहाँ पे, तो 7 बजे का लगभग, 7 बजे से कल 11 बजे तक इसे रहता है ये रूम। 11 बजे के बाद फिर नया स्टार्ट हो जाता है, तो मैं यहीं देखता हूँ, तो 2 दिन रहने वाला हूँ मैं, और फिर यहीं से मैं सारा ट्रैवलिंग करूँगा। खाना है, खाना ही, मैंने पूछा कि खाने में क्या है, तो दाल चावल है, पहाड़ पे रोटी नहीं मिलती। और दाल चावल लगभग कितने का है? ये है 100 रुपये, इंडियन पैसे में 100 रुपये। अब देखते हैं यहाँ का, काफ़ी थकान हो गई है, जर्नी अच्छी रही। चला था मैं 1 बजे वहाँ से निकला और मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे 7 बजे, लगभग कितने घंटे की जर्नी हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 6 घंटे, 6 घंटे मैं के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा हूँ। अब कल से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी वीडियोज अपलोड करने हैं मुझे, वीडियोज बना के रखे हैं फर्स्ट डे वाला, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया उसे, तो कल से जर्नी। और तगड़ी भूख लगी है और हमारे सामने आया है दाल चावल,
आलू गोभी की सब्ज़ी, साग, खटाई और ये रहा सलाद। खाते हैं, देखते हैं टेस्ट क्या है इसका। भूख तगड़ी वाली लगी है, सुबह का खाया है। वीडियो बनानी? हाँ वीडियो, हाँ। यही काम करते हैं हम। यही काम करते हैं। हाँ अच्छा। अभी घूमने आए यहाँ पे तानसेन। हाँ। यहाँ पे देखेंगे कल से क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक है, सब कुछ। आप हिंदी जानते हो? बड़ी तो नहीं जानता है, थोड़ा थोड़ा, हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है। खाना अच्छा है? खाना अच्छा है। हाँ अच्छा लगा। हमारे वहाँ भी ऐसे ही दाल चावल मिलते हैं, मिलते हैं। हाँ ऐसे स्वादिष्ट। ये चटनी किस चीज़ की है? टमाटर। टमाटर की है। अच्छा हाँ। लग नहीं रहा है। हाँ? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा है। हाँ तो खाना वाना खा हो गया, अब चलते हैं, देखते हैं। नॉर्मल है।